नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 24 दिसंबर 2023 है और सुबह के 7:10 हो रहे हैं और आप आसमान में देख सकते हैं हल्की सी लालिमा दिख रही है। अभी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं, कई जगह पर कोहरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली NCR के क्षेत्र में, गाजियाबाद ज़िले से, क्षेत्र है गोविंदपुरम के पास मधुबन बापू धाम कॉलोनी। यहाँ पर अभी न्यू डेवलप्ड कॉलोनी बनी हुई है सरकार की तरफ से, यानी कि GDA की तरफ से, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। शहर का बाहरी किनारा है, आप यहाँ देख सकते हैं आगे कुछ खेत भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इधर काफ़ी कोहरा दिखाई दे रहा है। ये सामने बिजली घर है, ये सामने पार्क है, उसके आगे रोड जा रही है, काफ़ी चौड़ी रोड बनाई गई है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आने वाले 2 दिनों में, यानी कि क्रिसमस डे के बाद से ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है। अभी भी यहाँ का टेम्परेचर रात में 8 डिग्री तक पहुंच गया था, दिन में थोड़ा धूप निकल आती है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी क्रिसमस डे के आसपास बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है, उसके बाद फिर और ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देश के दूसरे राज्यों के बारे में कि मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अरब सागर के पूर्व दक्षिण और पश्चिम दक्षिण के क्षेत्र में एक विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसके चलते गुजरात के तटीय क्षेत्रों, महाराष्ट्र, केरल तक कई जगह पर बारिश हो सकती है, कर्नाटक में भी कई जगह पर, साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक, यहाँ भी कई जगह पर मध्यम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह पर हल्की सी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। विशेष तौर से उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी ज़बरदस्त बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई, उसके चलते जो तेज़ हवाएं आएंगी वो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। मौसम विभाग ने भी यही जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के पूरे मैदानी इलाके में ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप आने वाला है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो पश्चिमी एरिया है, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ के साथ ही जो मैदानी इलाके मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास हैं, जिनमें से फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, बांदा, जालौन, यहाँ पर भी ज़बरदस्त हवाएं चलेंगी ठंडी ठंडी, जिससे कि काफ़ी तेज़ ठंड पड़ने की संभावना है। आदमी तो आदमी क्या, जानवर भी इस ठंड से परेशान रहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ भी छिटपुट कहीं बारिश हो सकती है, बाकी मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। असम, मेघालय की तरफ भी मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना हो सकती है, तेज़ हवाएं भी वहां चल सकती हैं। दोस्तों यहां दिल्ली NCR में एक और विशेषता नज़र आ रही है कि दिन में काफ़ी धूप निकल आती है, जिससे कि टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे कि ठंड से तो आराम मिल जाती है, लेकिन
जो ये अंतर चल रहा है न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का, इससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। रात में टेम्परेचर 8 डिग्री तक ठंड में चला जाता है, जिससे कि रजाइयों में घुसा हुआ आदमी बस यही सोचता है कि लेटे ही रहो। लेकिन दिन में कई बार काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है, जिससे कि स्वेटर तक भी उतारने की नौबत आ जाती है। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मौसम बीमारियों के लिए आगंतुक एक तरह से बन जाता है, बीमारियां आने लगती हैं। तो थोड़ा सा मौसम, अभी मौसम विभाग ने बताया ही कि अभी और ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी, तब जा करके एक समान थोड़ा मौसम रहने की दिन और रात ठंड ही ठंड देखने को मिलेगी। जो अभी ठंड हो रही है इसको गुलाबी ठंड कह सकते हैं, 8 डिग्री से लेकर के और दिन में 20-22 डिग्री तक। दोस्तों ये मौसम स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, इसलिए ये नॉर्मल ठंड जो उत्तर भारत की तरफ हो रही है, यहाँ के लोग स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें। आजकल कई हरी सब्जियाँ उपलब्ध हैं, उनका सेवन करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों इतनी अब ठंड होने लगी है, कोहरा भी देखिए काफ़ी बढ़ने लगा है। इस कोहरा के बढ़ने की वजह से कई ट्रेनें इस समय कैंसिल हो चुकी हैं, कुछ लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन क्रिसमस के बाद और ज़बरदस्त कोहरा और ठंड पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों ये था दिल्ली NCR के क्षेत्र का आपके सामने लाइव मौसम, साथ ही देश के अन्य राज्यों के पूर्वानुमान। दोस्तों ये वीडियो लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।